आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं इनवैलिड क्लिक पे। हाँ, आपने सही सुना। हाय, हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है राणा विशाल और आप देख रहे हैं शे हाय। मैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से मैं सीखने सिखाने और बताने की कोशिश किया करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, शे हाय यूट्यूब चैनल के वीडियो से आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इनवैलिड क्लिक होने की वजह से आप अपना अकाउंट को खोने से बच सकते हो। वीडियो अब देखो, कहीं ना कहीं कोई ज्ञान ऐसा होगा जो आपको काम आ जाएगा। तो वैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो भाई, तो और भी एक दो वीडियो देख सकते हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल के हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट किस बात का, बस सब्सक्राइब नीचे ही तो है। जैसे कि आपको पता है कि दे आर सो मेनी जेलस पीपल अराउंड यू, वो आपको सक्सेस होना देखना नहीं चाहते। आप अब साउंड करोगे कि मैं एडसेंस से इतना कमाया इतना कमाया, फेसबुक पे पोस्ट करोगे। आप कोर्स है, ये ह्यूमन नेचर है कि आपके जान पहचान या हो सकता है कि कुछ ऐसे जेलस टेंडेंसी के लोग या फ्रस्ट्रेटेड लोग आपके सक्सेस से चिढ़ करके वो आपके साइट पे जा करके इनवैलिड क्लिक, आपके बूम 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 आपके ऐड पे क्लिक करने लगेंगे। और फिर होगा क्या कि आपका कुछ देर के बाद एक मैसेज आएगा, तो भैया इससे बचेंगे कैसे। बचने के लिए सिंपल सा है, अगर यहीं पे कंपेयर आ जाता है ब्लॉगर और वर्डप्रेस में। अगर आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप एक बूम क्लिक प्लगइन्स को यूज करके आप इनवैलिड क्लिक से बच सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि उसमें और भी टारगेट आप कैसे बच सकते हो, और भी बेहतरीन बेहतरीन टूल्स हैं, और भी रास्ते हैं, मैं उस सारी चीज़ डिस्कस करूंगा। और अब आते हैं ब्लॉगर के लिए। ब्लॉगर के लिए कुछ निराशा हासिल होता है कि उनको कुछ रूल के हिसाब से सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे कोड नहीं है, फिलहाल तो मुझे तो नहीं मिला है। कुछ एक कोड था 2016 के आसपास, 16-17 के आसपास एक कोड काम आता था, लेकिन अब वो कोड काम नहीं आता। इनवैलिड क्लिक करने वाले उस पर VPN के थ्रू और वो डबल क्लिक हो जाते हैं, वो वैलिड है नहीं। लेकिन ब्लॉगर के थ्रू आप नज़र रख करके बच सकते हो। वो वही बचने का तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अवॉइड टेलिंग पीपल योर एडसेंस अर्निंग। पहली चीज़ तो ये, अपनी अर्निंग दूसरों को बताना बंद करो भैया। किसी को भी अंदर से पटाखे फूट सकते हैं, किसी के भी अंदर या अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऐड पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो भैया इससे पहले बच ही जाओ। इतराते हुए शेयर करने की जरूरत ही नहीं है कि आप ये बोलो भैया मैंने एडसेंस से इतना डॉलर निकाला, वो हो जाएंगे जीरो। आपके पूरे काम पे फिर जाएगा पानी। जो आग है आप आग रखिए, दूसरे को धा मत दीजिए, नहीं तो दूसरे लोग पानी छिड़काव करके आपको ठंडा कर देंगे। दूसरा, आप इंटरनेट पे दुश्मनी बेफालतू के मत अर्जो। दूसरे के ब्लॉग पे, दूसरे की पोस्ट पे, दूसरे की वीडियो पे कमेंट करके कुछ भड़काऊ चीज मत उसको उजागर करो, वो भी ओरिजिनल आईडी से भैया, नहीं तो वो उल्टा तीर चला देगा। भैया इस इंटरनेट पे आपको मिलजुल के ही काम करना होगा, यही एक मूल मंत्र है। फिलहाल ये सबसे बड़ा इशू है इनवैलिड क्लिक, ये एडसेंस से अर्निंग करने वालों के लिए। और तीसरा तो आपको बखूबी अच्छे से पता ही है कि आप अपने ही ऐड पे क्लिक करके थोड़ा टेस्ट मत लिया करो कि भैया देख लेता हूँ कि काम करता है कि नहीं, तो ये सोचो ही मत। चौथी बड़ी चीज़, आप कभी गूगल का बाप नहीं बन सकते हो, तो क्लिक एक्सचेंज मत करो। भाई तू मेरे ऐड पे क्लिक कर देना, मैं तेरे ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ये नहीं चलेगा। गूगल सब समझ, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। नहीं, अगर विश्वास मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो क्लिक करके देख लेना एक दूसरे को, एक से दो, दो से तीन, चौथे में निपट जाओगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल ज्ञान की बात। अब आते हैं थोड़े काम की, टेक्निकल पर्पज से अब क्या क्या कदम उठाओ। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको इनवैलिड क्लिक आ रहा है तो आप अपने एडसेंस पे आप देखिए कि क्लिक रेट कितना है, CTR कितना है। अगर वो 20 से 30 के बीच में है तो भैया खतरे की घंटी है। थोड़ा ध्यान दो, एनालाइज करो कि भैया इतना क्लिक कहाँ से आ रहा है। आप स्टडी करना चाहो कि कौन से कंट्री से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक IP एड्रेस से कंटिन्यू क्लिक आ रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपको आता हो, लेकिन कुछ लोगों को मैं बता दूं जो नए नए एडसेंस जिनके अप्रूव हैं, मेरे भी अभी नए ही एडसेंस अप्रूव हुए हैं, तो इसलिए मैंने जो सीखा है वो बता रहा हूँ। ये इमेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद आप आओगे ओवरव्यू दिस मंथ, फिर देखो आप ओवरव्यू दिस मंथ का एक इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको आना है एडसेंस लॉगिन करने के बाद, फिर टुडे डेट पे आप क्लिक करोगे और बस साइड में आप देखो कंट्री का एक ऑप टैब मिलेगा, उस कंट्री के पे क्लिक करके आप देख सकते,
आप देख सकते हो कि कौन से कंट्री से कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जब कंट्री पे आप देखोगे तो आप देखना कि सीपीसी कितना है। अगर सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक यानी कि एक क्लिक पे कितना कॉस्ट है, अगर वो कम है, 10 पैसा है, 12 पैसा है, तो भैया 12 पैसा 10 पैसे में इतना क्लिक और इतने रुपये कहाँ से बन रहे हैं, ये खतरे की घंटी है। अगर सीपीसी लो है तो समझिए कि खतरे की घंटी है, इतना क्लिक कैसे हो रहा है। अगर तो फिर आप देखिए सीटीआर कितना है, क्लिक थाउट रेट 20 से 30, मैं तो बोलूँ भैया 20 से 25 के बीच में ही रहे तो बहुत अच्छा। इसके ऊपर अगर जाए तो समझो कि आप सबसे पहला कदम उठाओ कि आप डिटेक्ट करो आईपी एड्रेस कि किस रीजन से वो क्लिक आ रहा है, और उस आईपी एड्रेस को करो ब्लॉक। वर्ड प्रेस रहेगा तो मैं फिर बोलूँगा कि इसमें आपको हो जाता फ़ायदा। क्लिक बॉम ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट सिर्फ आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते थे, यानी कि उस आईपी एड्रेस पे आपका एडसेंस चलता और वो आईपी एड्रेस पे ऐड नहीं दिखेगा, उसका क्लिक नहीं काउंट होगा, तो ये हो जाता फ़ायदा। लेकिन आप हो ब्लॉगर वाले तो भैया यहाँ पे आपको रहना होगा सतर्क, यानी कि आप सीधा दौड़े दौड़े पहले आप जाओ एडसेंस को डीएक्टिवेट कर दो। एक दो दिन की तो बात है मेरे भाई, एक दो दिन में आप कितना अर्न कर लोगे। आप एडसेंस पे ऐड डिसेबल ही कर लो 1 से 2 दिन, वो जो जिल्लस बंदा है वो थोड़े देर के लिए शांत हो जाएगा। और लास्ट में कुछ मेथ है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक है रिपोर्टिंग फॉर्म। कुछ लोग क्या होते हैं, इनवैलिड क्लिक हो रहा है वो कुछ नहीं करते, सबसे पहले वो दौड़े दौड़े जाते हैं और इनवैलिड क्लिक फॉर्म भरते हैं और उस पर बताते हैं गूगल टीम को कि भैया मेरे अकाउंट पर हो रहा है इनवैलिड क्लिक, थोड़ा हमें माफ़ कर देना। लेकिन गूगल फिर भी माफ़ नहीं करता, कुछ दिन के बाद उसका अकाउंट बैन कर देता है, सस्पेंड कर देता है। अगर बड़ा केस बन जाए जिसपे उसी का आईपी एड्रेस डिटेक्ट हो जाए, या उसी के फ्रेंड से मिलता जुलता आईपी एड्रेस डिटेक्ट हो जाए, या कोई ऐसे आईपी एड्रेस उसको मिल जाए जिसपे वो खुद लॉगिन कर रखा है, तो भैया वो हो सकता है कि वो परमानेंट ही आपका अकाउंट एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। तो यहाँ पे सतर्क रहने वाली बात है कि जितना बच सको कुछ अपना ध्यान रखो एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड, इसको सीरियसली लो। गूगल का कहना यही है, गूगल एडसेंस का टर्म एंड कंडीशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, हो सके तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। इनवैलिड क्लिक से आप अपने एडसेंस अकाउंट को खुद बचाना है, तो ये सारे स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना ही है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ जाने होंगे, सीखे होंगे, या हो सके सतर्क हो चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।